महेंद्रगढ़ वार्ड और दादरी के बहुत से गांव ऐसे हैं जहां ओलावृष्टि से बहुत नुकसान हुआ है, और प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए कंप्लीट रिपोर्ट तैयार करके स्पेशल गिरदावरी के हिसाब से ऊपर केस भेज दिए। मुझे उम्मीद है कि किसानों को जल्दी मुआवजा मिल जाएगा। गुरुवार को नगर के आईटीआई में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। जिला रोजगार कार्यालय द्वारा आयोजित इस मेले में लगभग 16 कंपनियों ने अपनी स्टॉल्स लगाकर बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का काम किया। जिला रोजगार कार्यालय द्वारा भिवानी के आईटीआई में एक रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में लगभग 16 कंपनियों ने अपनी अपनी स्टॉल्स लगाकर बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का काम किया। इस मौके पर जिला रोजगार अधिकारी ने कहा कि यह रोजगार मेला बेरोजगार युवाओं के लिए लगाया गया है, उनके लिए ऐसे मेले बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। उन्होंने कहा कि इस मेले में अब तक लगभग 800 से 900 युवक युवतियां आ चुके हैं और अपने लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे रोजगार मेलों से बेरोजगारी पर अंकुश लगेगा और साथ साथ नए युवक युवतियों को रोजगार पाने का मौका भी मिलता है। बडाला है, हम यहाँ से आऊँ। यहाँ भिवानी आईटीआई में किस लिए आए हैं आप? क्या ये रोजगार मेला लगा हुआ था, यहाँ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा इस बारे में, लेकिन यहाँ भी वही है जो कि युवाओं के साथ खिलवाड़ होता है कि इस इंश्योरेंस कंपनी इतनी भीड़ की इकट्ठी होगी, सर के पास कॉल किया है। सर्दी के मौसम में आए हैं, बहुत समस्या हो रही है और यही हाल है। हमारे यहाँ कोई हेल्थ केयर करा रहा, कोई SBI लाइफ इंश्योरेंस है, ये कई कंपनियां हैं, ये यही कर रही है। यहाँ पर रोजगार मेले में थे जो आईटीआई में लगा हुआ है, हमें यहाँ पर SBI में जॉब मिली, हमें यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा। मैं रोजगार मेले में आया था और मुझे यहाँ पे जॉब मिल गई है और यहाँ के अच्छा लगा। किस चीज़ की जॉब मिली है? मेरे को कैलिबर कंपनी से मिली है। सर बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं सर रोजगार के लिए, और सर उनमें से मैं एक हूँ जो मुझे यहाँ पे जॉब मिली है, और मुझे संतुष्टि है सर कि वो मेरे पास जरूर कॉल करेंगे। यहाँ पे हमने एक रोजगार मेला लगाया है जिला रोजगार कार्यालय भिवानी की तरफ से। यहाँ पे हमने एम्प्लॉयर्स बुलाए हैं बहुत सारे, ताकि BJP सरकार जो कहती है कि काबिल युवाओं को हम नौकरी दिलवाएं, उसके लिए हमने बच्चे बुलाए हैं और एक बड़ा सा रोजगार मेला लगाया है। तो यहाँ पे बच्चे गए हुए हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, और ताकि उनको नौकरियाँ मिल सकें। इसमें हमने जो क्वालिफिकेशन है वो 10th क्लास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक कोई भी जो युवा कार्य करना चाहता है वो यहाँ पर अपना इंटरव्यू दे सकता है। मैम कोई एज ग्रुप भी रखा है? एज ग्रुप इसमें 21 से 35 रहता है। 700 से 800 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया है और 16 के आसपास कंपनियां आई हैं बच्चों को नौकरियां देने के। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में वामपंथी व जनवादी पार्टी गुरुवार को सड़क पर उतर आए। पुराना बस स्टैंड से ऊपर